दोस्तों, बिल्ली प्रजाति जंगल पर राज करने के लिए जानी जाती है। भारत में गिर के सूखे इलाके सहित अफ्रीका महाद्वीप में शेरों का राज है। वहीं भारत के आर्द्रता वाले वनों में बाघ राज करते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों पर हिम तेंदुओं का राज है, तो अमेजोन के घने वर्षा वनों में जगुआर अपना साम्राज्य चला रहे हैं। जहाँ भी ये बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती हैं, वहाँ अन्य जानवरों को इनसे डर कर ही रहना पड़ता है। इन्हें चुनौती देने वाला भला कौन हो सकता है? जब बड़ी बिल्लियों को चुनौती देने की बात आती है, तो सबसे मजबूत दावेदार भालू को माना जा सकता है। जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ एक साथ दो बाघ एक भालू को मारने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु इस भालू का शिकार इन दोनों बाघों के लिए मिलकर कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। भले ही इस वीडियो में ये काला भालू बाघों के लिए मुश्किल चुनौती साबित हो रहा है, किंतु मैं आपको बता दूं कि जंगली काले भालू भारतीय बाघों का प्रमुख शिकार हैं। एक अकेला बाघ भी यदि मारने पर आ जाए तो आसानी से किसी काले भालू को मार सकता है, किंतु भालुओं का बड़ी बिल्लियों से सामना होना बेहद ही दुर्लभ है। अफ्रीका से भालू पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, वहीं साइबेरिया में भी इनकी संख्या ना के बराबर ही बची हुई है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां बाघ और शेर जैसी बड़ी बिल्लियों के साथ साथ भालुओं की भी ठीक ठाक संख्या बची हुई है। दो बाघों के साथ लड़ाई लड़ने वाले इस काले भालू का असल नाम स्लोथ बेयर है। ये भालू काफी सुस्त माना जाता है और वजन में 100 किलो से थोड़ा ही अधिक भारी होता है। जाहिर है 250 किलो तक भारी वजनी बाघ को ये भालू चुनौती पेश नहीं कर सकता, किंतु मुकाबले यदि उस भालू से हो जिसे धरती के सबसे बड़े शिकारी के तौर पर जाना जाता है, तो परिणाम बदल सकता है। ध्रुवीय भालू अर्थात पोलर बेयर को धरती का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव माना जाता है। ये 700 किलो तक भारी हो जाता है। इन भालुओं की अधिकतर संख्या उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक क्षेत्र में ही पाई जाती है, जहां किसी भी नस्ल की बड़ी बिल्ली नहीं पाई जाती। किंतु फिर भी यदि इनका सामना किसी बड़ी बिल्ली से हो तो क्या नतीजा हो? इस भालू से मुकाबले के लिए साइबेरियन बाघ को ही चुना जाना चाहिए। ये बाघ भारतीय बाघ और अफ्रीकी शेर की तुलना में कहीं अधिक बड़ा और ताकतवर होता है। केवल यही बाघ पोलर बियर को चुनौती पेश कर सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में साइबेरियन बाघ और पोलर बियर के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि इन दो खूंखार जानवरों के बीच लड़ाई हो तो जीत किसकी होगी। आकार एवं ताकत। दोस्तों, आकार एवं ताकत की जांच में सबसे पहले वजन देखा जाता है और इस मामले में हमारा सफ़ेद भालू निश्चित तौर पर विजेता कहा जा सकता है। हालांकि सफ़ेद दिखाई देने वाले इस भालू के बाल सफ़ेद नहीं बल्कि पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी बाल प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिस कारण ये सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं। यदि इन बालों को हटाकर देखा जाए तो पोलर बियर काले रंग के ही होते हैं। खैर, सफ़ेद दिखाई देने वाला ये भालू 600 से 800 किलो तक भारी वजन लिए हुए होता है। आज तक मापे गए सबसे भारी भालू का वजन तो 1 टन से भी अधिक था। दूसरी ओर एक बड़ा साइबेरियन बाघ 250 किलो से 300 किलो तक भारी हो जाता है। अब तक मापे गए सबसे भारी साइबेरियन बाघ का वजन 423 किलोग्राम था, यानी एक पोलर बेयर साइबेरियन बाघ के मुकाबले में 2 गुना भारी भरकम शरीर का मालिक होता है। ये भारी शरीर लड़ाई के दौरान बाघ पर भी भारी पड़ सकता है। वहीं यदि हम ऊंचाई और लंबाई के आंकड़े देखें तो एक सफ़ेद भालू की ऊंचाई 5 फीट से थोड़ा अधिक हो जाती है, वहीं एक साइबेरियन बाघ 3.5 फीट तक ही ऊंचा हो पाता है। ऊंचाई के बाद यदि हम लंबाई की तुलना करते हैं तो भालू की लंबाई जहां 7 से 9 फीट तक मानी जा सकती है, वहीं एक साइबेरियन बाघ पूंछ सहित 11 फीट तक लंबा हो जाता है। यदि पूंछ की लंबाई ना मापी जाए तो साइबेरियन बाघ और सफ़ेद भालू की लंबाई लगभग समान ही होती है। सीधे खड़े होने के बाद एक साइबेरियन बाघ जहां 10 फीट तक ऊंचा हो जाता है, वहीं पोलर बेयर अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर 12 फीट तक लंबा हो सकता है। अब यदि इस तुलना का निष्कर्ष निकाला जाए तो ये समझ में आता है कि भालू न सिर्फ बाघों से अधिक भारी है बल्कि ये बाघों की तुलना में अधिक लंबे चौड़े शरीर के मालिक भी हैं। वैसे सफ़ेद भालू के शरीर में चर्बी की मात्रा बेहद ही अधिक होती है। इन भालुओं के शरीर के कुल वजन में 50% तक हिस्सेदारी चर्बी अर्थात फैट की होती है। वहीं भले ही चिड़ियाघरों में रहते कुछ साइबेरियन बाघ भी आपको काफी मोटे दिखाई दें, किंतु अमूमन किसी बाघ के शरीर में मात्र 7% के आसपास ही फैट होता है। मतलब भले ही साइबेरियन बाघ पोलर बेयर की तुलना में हल्के हों, किंतु मांसपेशियों एवं ताकत के मुकाबले में तो साइबेरियन बाघ सफ़ेद भालू के बराबर ही आंका जा सकता है। हथियार और क्षमताएं। दोस्तों, दो जानवरों की लड़ाई में
सिर्फ बड़ा शरीर या ताकत ही काम नहीं आती, बल्कि लड़ाई इस बात पर भी निर्भर करती है कि दोनों जानवरों को प्रकृति ने कैसे हथियार दिए हैं। यदि हम पंजों की तुलना करें तो सभी भालू अपने लंबे और मजबूत पंजों के कारण जाने जाते हैं। ग्रिजली बियर के पास 4 इंच तक लंबे पंजे हो जाते हैं, किंतु पोलर बियर के पंजे ग्रिजली बियर की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़े छोटे होते हैं। इनके पंजों की लंबाई 4.25 इंच के आसपास ही होती है। वहीं एक साइबेरियन टाइगर के पास भी 3 इंच से अधिक लंबे पंजे हो जाते हैं। ये पंजे रिट्रैक्टेबल होते हैं, जिसका अर्थ है कि ये पंजे बाघ की खाल के अंदर छुपे होते हैं और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलते हैं। इसी वजह से भूमि के साथ इन पंजों का बेवजह घर्षण नहीं होता और बाघों के पंजे नुकीले बने रहते हैं। ऐसी खूबी भालुओं के पंजों में नहीं होती। यही वजह है कि भले ही भालू के पंजे अधिक बड़े हो, किंतु ये पंजे बाघों जितने नुकीले नहीं होते। यदि इन दोनों जानवरों के दूसरे मुख्य हथियार यानी जबड़े का मुकाबला किया जाए तो पोलर बियर के 42 दांतों वाले जबड़े में 2.5 इंच लंबे केनाइन दांतों के साथ 1200 PSI तक काटने की ताकत होती है। वहीं साइबेरियन बाघ के पास 30 दांत और काटने की ताकत 1050 PSI तक मानी जाती है, किंतु पोलर बियर के 2.5 इंच लंबे केनाइन दांतों की तुलना में बाघों के केनाइन दांतों की लंबाई 3 इंच तक हो जाती है, जिस कारण से बाघ अपने दांतों से पोलर बियर की तुलना में कहीं अधिक गहरा जख्म दे सकता है। जहाँ तक क्षमताओं की तुलना है तो बाघ बेहद फुर्तीले होते हैं। ये तेज जानवरों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं सफ़ेद भालू अधिकतर मौकों पर पानी से बाहर बेहद सुस्त दिखाई देने वाले वालरस जैसे जानवरों का ही शिकार करते हैं। पानी से बाहर ये भारी जानवर भालू को कोई चुनौती नहीं दे पाता, किंतु बाघ अपने चौकन्ने व्यवहार, घात लगाने की काबिलियत और फुर्ती से झपटने के दम पर बेहद तेज एवं फुर्तीले शिकारों को मार गिराता है। बाघों को पोलर बियर की तुलना में हर रोज कड़े मुकाबले झेलने पड़ते हैं, जिस कारण बाघों को अधिक कुशल शिकारी माना जा सकता है। बाघों की टांगें इतनी मजबूत होती हैं कि शेरों से अधिक भारी शरीर होने के बावजूद भी बाघ शेरों से अधिक ऊंचाई तक छलांग मार सकते हैं। आमने सामने की लड़ाई। दोस्तों, साइबेरियन बाघ और पोलर बियर के बीच निश्चित तौर पर कांटे का मुकाबला होगा। अभी तक की तुलना करके हमने जाना है कि पंजों और दांतों जैसे मुख्य हथियारों के साथ साथ हमला करने एवं फुर्ती जैसे मामलों में साइबेरियन बाघ पोलर बियर पर हावी है। वहीं पोलर बियर की जीत के पक्ष में जो मजबूत तर्क है वो है उसका लंबा चौड़ा शरीर एवं भारी वजन। यदि हम अंतिम तुलना करें तो अंग्रेजी की एक कहावत याद आती है, जिसमें कहा गया है, साइज डज नॉट मैटर, यानी आकार कोई मायने नहीं रखता। किंतु ये कहावत बिल्कुल गलत है। यदि आकार में थोड़ा अंतर हो तो शायद आकार उतने मायने नहीं रखता, किंतु एक पोलर बियर और बाघ के शरीर और वजन में भारी अंतर है। पोलर बियर बाघ से दोगुना भारी जानवर है। हालांकि बाघ अपने से दोगुने भारी जानवरों को मार डालने के लिए जाना जाता है, किंतु यहाँ बाघ का मुकाबला किसी घास चरने वाले जानवर से नहीं अपितु एक खूंखार शिकारी से किया जा रहा है। पोलर बियर का भारी शरीर एवं ऊंची कदकाठी निश्चित तौर पर बाघ को कड़ी चुनौती देगी। भालुओं के पूरे शरीर पर लंबे बाल भी होते हैं। इन लंबे बालों में से इन्हें काट पाना बाघ के लिए और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भालुओं की चर्बी युक्त एवं मोटी त्वचा इन्हें लड़ाई के दौरान गहरे जख्मों से बचाएगी। भालू के शरीर के अंदरूनी अंग इसकी चर्बी की परत के नीचे सुरक्षित रहेंगे। अधिक ऊंचाई होने के कारण भालू को बाघ की खोपड़ी पर जोरदार वार करने में सहूलियत होगी। भालू अपने हाथों को इंसानों की तरह हर ओर घुमा सकता है। अपने हाथों की मदद से ये बाघ को खुद पर हमला करने से रोक भी सकता है, किंतु बाघ जैसे कुशल एवं मजबूत शिकारी को भी कम नहीं आंका जा सकता। यदि एक बार बाघ भालू की गर्दन को अपने जबड़े में जकड़ने में कामयाब हो गया तो भालू का खेल खत्म ही समझना चाहिए। मेरे मत के अनुसार पोलर बियर और साइबेरियन बाघ के बीच यदि 10 मुकाबले किए जाएं तो इनमें से 7 मुकाबलों में पोलर बियर के जीतने की संभावना है। वहीं 3 मुकाबले साइबेरियन बाघ भी जीत सकता है। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।